हे गाइस, वेलकम टू स्टडी ब्लॉक। इस वीडियो में हम देश के पहले वोटर के बारे में जानेंगे। श्याम शरण नेगी जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव में अपने मताधिकार का उपयोग किया था। 1951-52 में हुए देश के पहले आम चुनाव में उन्होंने पहली लोकसभा के गठन के लिए वोटिंग किया था। हालांकि चुनाव के मतदान फरवरी 1952 में समाप्त हुए थे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में चुनाव 5 महीने पहले ही कंडक्ट कराए गए थे, क्योंकि वहां का फरवरी और मार्च में मौसम खराब हो जाता है और उस दौरान भारी बर्फबारी भी होती है, जिससे नागरिकों का मतदान केंद्रों तक पहुंचना काफी डिफिकल्ट हो जाता। नेगी जी ने पहला वोट 25 अक्टूबर 1951 को डाला था। वे मतदान दल के सदस्य भी थे। वे एक बार बताते हैं कि उन्होंने अपना पहला वोट सोनथोंग मतदान केंद्र में डाला था और उनके मतदान दल को 10 दिनों की अवधि में पूर्वानी, रिब्बा, मोरांग, नेशोंग में मतदान कराने के लिए लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ी थी। श्री राम शरण नेगी जी का जन्म 1 जुलाई 1917 को हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के कल्पा में हुआ था। वे एक शिक्षक थे। उन्होंने लगातार 1951 से अपनी मृत्यु तक हर आम चुनावों में मतदान किया था। 2 नवंबर को ही उन्होंने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव के दौरान वोट डाला था। स्वास्थ्य कारणों से उनके घर में ही मतदान की व्यवस्था कराई गई थी। 3 दिन बाद 5 नवंबर 1922 को 105 वर्ष की आयु में उन्होंने देह त्याग दिया। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनकी मृत्यु पर चुनाव आयोग ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। वे लगातार वोटिंग के महत्व को बतलाते रहे। प्यारे बेटा, जब आप बड़े हो जाएंगे, पढ़ लिख करके क्या करोगे? देश को उठाने के लिए, देश को भलाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बड़े हो करके वोट देना होगा। मेरा नाम श्याम शरण नेगी, मैं इंडिया का पहला वोटर हूँ। ये इलेक्शनों का सिलसिला 1952 से चला, लेकिन हमारे किन्नौर में ठंड इलाका होने के नाते 6 महीना पहले कराया, यानी 1951 के अक्टूबर में यहाँ इलेक्शन हुआ। कोई वोट ऐसा नहीं कि मेरे से छूट गया हो। पंचायत का बोलो, विधानसभा का बोलो, हर समय मैं वोटिंग देता आ रहा हूँ। चाहे बर्फ पड़े या बारिश, ये काम हर दफा मैं पूरा करता हूँ। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताएं।